अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स मेक सम पिज़्ज़ा पाए। ये रेसिपी इतनी इजी है कि हर कोई इसको बना सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपको डो प्रिपेयर करनी है, उसके लिए मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। 3 कप मैदे से 6 इंचेस के 2 पिज़्ज़ा पाए ईजिली बन जाएंगे। पहले आपने मैदे को स्टेन ज़रूर कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। ईस्ट मैंने 2 टीस्पून ऐड किया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ब्लूम अप होने की ज़रूरत नहीं होती, ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसको आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ईस्ट ऐड करने के बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप ग्रैनुलेटेड लें या फिर उसके अलावा पसी हुई लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडा ऐड करने के बाद आपको इसको पहले अच्छे से नीट करना है और उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको ऐड करना है 3-4 कप, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 3-4 कप मेजरमेंट से आपका जो नीडिंग होगी वो परफेक्ट होगी। 3-4 कप का मतलब ये है कि 4 पोर्शंस में से 3 पोर्शंस आपने पानी के यूज़ करने हैं। उसके बाद अब हम इसको दोबारा से नीड करते हैं। अगर आप हाथ की मदद से सारा प्रोसीजर करें, मशीन में डो नहीं बना रहे हैं, तो सेम प्रोसीजर आपने करना है। पहले एग्स के साथ सारे ड्राई मिक्सचर को मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से नीड कर लेना प्रॉपरली कि सॉफ्ट सी डो जो है वो बन जाए। डो को मैं आपको एक शेल्फ पे निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मशीन में लगता है इसको बनने में। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो 5 मिनट आपने इसको नीट करना है ताकि ये प्रॉपरली इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसको प्रॉपरली एक शेप दे के राइज होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए। ये आपकी जो ईस्ट होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और ये राइज होने में आपकी डो कितना टाइम लेगी, लेकिन 1 से 1.5 घंटा तो आप इसको ज़रूर रखें। जब तक हमारी डो राइज होगी हम अपना चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन क्यूब्स लिए हैं। उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ही काली मिर्च और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून थिक कर्ड यानी कि दही। हमें थिक दही चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करें और मैरिनेट कर दें चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर आपको इसको जल्दी बनाना है तो 15 से 20 मिनट आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं चिकन को। लास्ट में अब हम इसको कुक कर लेते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करें, चिकन को ऐड करें और इसको कुक होने के लिए छोड़ दें ऑन मीडियम फ्लेम। जब तक ये कुक होगा चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद योगर्ट के अंदर ये कुक होगा तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब ये कुक हो जाएगा तो इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 पिंचेस ऑफ रेड फूड कलर। फूड कलर इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत करें, लेकिन अगर आप कलरफुल पिज़्ज़ा पाई के अंदर चिकन भी कलरफुल ऐड करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के बाद मैं अपनी डो को आपको दिखाती हूँ। ये प्रॉपरली राइज हो गई है। इसमें से बड़ी अच्छी जो राइजिंग की स्मेल होती है ना, कि फर्मेंटेशन हो गया इसके अंदर, वो आ रही होती है इस टाइम पे। और यहाँ पर जी मैंने इसको थोड़ा सा पंच किया है ताकि इसके सारे एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। अब हम अपनी डो को जो है वो किसी भी मैट या शेल्फ पर निकाल लेंगे। उससे पहले आपको नीचे मैदा डस्ट करना ज़रूरी है ताकि ये स्टिक ना हो जाए। और इसके बाद हम इसको 2 पोर्शंस में जो है वो निकाल लेंगे ताकि 1 पोर्शन से हम 1 पिज़्ज़ा पाए बनाएँ, दूसरे पोर्शन से आप दूसरा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। उसके बाद भी हम इसको थोड़ा सा और नीट करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट या आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1 मिनट, ताकि इसके मज़ीद एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। और इसके बाद इस तरह से हम एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। इसको हम रोल अप करेंगे विद अ रोलिंग पिन। इसकी आपने एक बड़ी सी रोटी बनानी है तकरीबन 8 से 12 सेंटीमीटर की। अगर आपको वो भी समझ नहीं आता है तो आपको जिस तरह पिज़्ज़ा डो बनाते हैं हम, उतनी ही थिकनेस से एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है और उसको ट्रांसफ़र कर देना है अपनी पिज़्ज़ा पाई की प्लेट के ऊपर। इसकी एक स्पेसिफिक प्लेट होती है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप कहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये अब हर जगह से ही अवेलेबल हो जाते हैं जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है। इस प्लेट की जो एजेस होती हैं वो शार्प होती हैं, इससे आपकी डो इजीली कट हो जाती है। सेकेंडली इसका ये फ़ायदा होता है कि नीचे वाली प्लेट जो है इसकी वो मूवेबल होती है। जब पिज़्ज़ा पाई प्रिपेयर हो जाता है तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। दूसरे पैन में ये बंद हो जाता है लेकिन पाई बेकिंग के बाद ईजिली इसमें से निकल नहीं सकता, इसलिए आपके पास बेकिंग प्लेट होना ज़रूरी है, पाई प्लेट जो होती है।
उसके बाद ये लास्ट में हम इसमें समरिंग करेंगे। पहले सबसे मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड की है 1-2 टेबलस्पून। उसके बाद मैं इसमें अपना प्रिपेयर्ड चिकन ऐड करूँगी जो कि हमने पहले बनाया था। लास्ट में हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे लाइक कैप्सिकम्स, अनियंस, और दैट्स अप टू यू कि आप किस तरह की कटिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप उसको इस तरह से कट करके डालेंगे और टेस्टफुल भी होगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स, कॉर्नस, मशरूम्स और कुछ हैलोपिनोज। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लास्ट में अब हम इसकी क्रस्ट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो आपको इस स्टेप को अच्छे से देखना है। सबसे पहले किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और आपकी जो लेफ्ट ओवर डो थी यानी कि जो आपने इसके ऊपर से पाई की प्लेट के ऊपर से उतारी थी उसको यूज़ करना है। आपको जो दूसरी डो है उसको यूज़ नहीं करना। डो को रोल करके एक ओवल शेप यानी अंडे की शेप आपको दे लेनी है और इस तरह से नाइफ या किसी भी कटर की मदद से आपने कट्स लगा लेने हैं। लंबे कट्स नहीं लगाने हैं, बीच में गैप छोड़ के कट लगाने हैं, फिर आपकी ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो परफेक्ट पिज्ज़ा पाई की तरह बनेगी। आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से कट लगा रही हूँ। कट्स लगाने के बाद आप इसको उठा लें और साइड पे रख लें। उसके बाद हम अपनी पाई के ऊपर चीज़ ऐड कर लेते हैं, मोज़रेला या उसके अलावा आप कोई भी चीज़, चैडर चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ का जो टेस्ट आएगा इसमें बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में जो हम इसके ऊपर अपनी क्रस्ट रखेंगे और उसको शेप दे लेंगे। जो सारे स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जो भी चीज़ जिस तरह से मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स का बताती हूँ वो रखेंगे तो आपका जो पाई है या जो भी चीज़ आप बनाते हैं मेरी वीडियोज़ को देख के वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से शेप कर रही हूँ। आपको प्रिकॉशंस कुछ मैं बता दूँ, जब आपने इसको ओवल शेप देनी है तो डो को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना वरना जिसका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। डो को आपने थोड़ा सा बारीक ही रखना, ये इजीली जो है ये बन जाएगा इस तरह से इसका डिज़ाइन अगर आपका 6 इंचेस का पैन है। लास्ट में मेरे पास थोड़ी सी डो बची थी उसकी मैंने नॉट बनाई और इस तरह से उसके साइड्स पे एक और डिज़ाइन बना दिया। ऊपर मैं अब लगा रही हूँ जी एग वॉश। एग आपने योक लगानी है, पूरा एग वॉश लगाना है, इट्स ओके कोई भी आप लगा लें। और उसके बाद हम इसको करेंगे जी बेक। बेक आपको करना है 45 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पे और अपर और लोअर दोनों रॉड्स को ऑन करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मज़े का लग रहा है। रमज़ान में अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपकी वाहवाह हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी ये बहुत मज़े का बना था। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।